Mala. Penalima. महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महाराज जी, आप एक ऐसे जिले में आए हैं जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आप ऐसे जिले में आए हैं जिसकी अपनी पहचान है। सही बात है। 40 साल पहले का छिंदवाड़ा, आज का छिंदवाड़ा, आप मेरे गवाह हैं। जो बुजुर्ग हैं ये सब मेरे गवाह हैं। हमने सबको, मैं कहता हूं एक बात महाराज जी, संसद में बहुत सारे सांसद चुन के जाते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप वोट से चुनकर आए हैं, आप वोट के कारण यहां बैठे हैं, मैं तो इनके प्यार और विश्वास के कारण यहां बैठा हूं। भारत कोई आर्थिक शक्ति नहीं, भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं, पर सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है और महाराज जी आप उसके प्रतीक हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। और आप सब जो यहां हैं, आप इस आध्यात्मिक शक्ति के रक्षक हैं। आज भारत कैसा देश है, इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषा, इतनी देवी, इतनी देवता, इतने त्योहार, ये अपना भारत है। हमें अपने भारत को समझना है, भाईचारा है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला तो गरीबी से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, हमारा मुकाबला अत्याचार से है। ये आज हमारे सामने स्थिति है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए कि आप सब इच्छुक हैं महाराज जी को सुनने के लिए, मैं फिर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यहां आकर हमारा छिंदवाड़ा का सम्मान किया। और ये भी आश्वासन दे के जाइएगा कि आप यहां आते रहेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है।